हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास आईआईटी जेएम मैथमेटिक्स 2014 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर फोर पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, फोर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है फ्रेंड्स। इज एग्जैक्ट, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन हमारे पास कंडीशन पूछे बी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा, किस इनमें क्या ए बी और सी में क्या रिलेशन होगा, ये हमसे पूछा है। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन करते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। अब फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो जैसे अगर ये इक्वेशन को माने एम, इसको टर्म को मान रहे एम डी एक्स प्लस इस टर्म को एन माने तो एन डी वाई, तो अगर हम निकाले डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी एग्जैक्ट अगर है तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो हमारे पास यहाँ से हमने ये एम है, इसका हमारे वाई की करस्पॉन्डिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ से डेल अपॉन डेल एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया हमारे पास इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो गया हमारे पास सॉरी वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो ये तो हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट रहेगा, जीरो हो जाएगा। इसका हो जाएगा हमारे पास बी एक्स प्लस टू वाई, तो बी एक्स प्लस टू वाई, और इधर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा फोर एक्स प्लस सी वाई, और इसका जीरो हो जाएगा। तो बी बराबर जो कंपेयर करे क्या हमने, तो कंपेरिजन पे आ गए हमारे पास बी बराबर अगर फोर हो एंड सी बराबर टू हो तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो बी बराबर टू एंड सी बराबर फोर इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स।